इतने धंधुल से क्या होगा? समस्त गांववासी आने वाले हैं भंडारे के लिए, कैसे प्रबंध करूं? माता रानी, माता रानी के भंडारे में सभी को आमंत्रण है। आइए वीरा जी, स्थान ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, आइए, स्वागत है आपका। गुरुदेव, मुझ गरीब के पास आपके बैठने के लिए योग्य आसन भी नहीं, कृपया यहां विराजे। यह महागुरु गोरखनाथ, महाज्ञानी महागुरु, इन्होंने मेरी विनती स्वीकार की और इस भंडारे में आने की अनुकंपा की। आज इतने सारे लोगों का भोजन नहीं है हमारे पास, मात्र एक बर्तन खिचड़ी है, कैसे करेंगे? आस्था रखो सुलोचना, माता रानी ने कहा था ना कि भक्ति है तो मार्ग भी अवश्य निकल आएगा। आइए आइए, आप सभी का स्वागत। कल्याण। हमने तो शिष्यों को आमंत्रित नहीं किया था। जी गुरुदेव, मैंने किया, मुझे लगा शिष्यों को देख के आप खुश होंगे। हमने विभूतिनाथ को तुम्हें आश्रम लाने के लिए कहा था। गुरुदेव, अभी कार्य शेष है, थोड़ा समय और लगेगा। बुलावा तो भेज दिया, किंतु अब तुम्हें मेरी इच्छा भी पूर्ण करनी होगी वैष्णवी। आप तो कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। सुलोचना जी, हम भी आप ही के भांति माता रानी के भक्त हैं। माता रानी ने स्वयं हमें आपकी सहायता के लिए भेजा है। माता रानी ने भेजा है? साक्षात माता रानी ने हमारी सहायता की?
चिंतित ना हो सुलोचना जी, आपने अपना कार्य कर दिया है, अब हम सब संभाल लेंगे। पंडित जी, जल पिला पिला कर पेट भरने की योजना है या कुछ खिलाने का प्रबंध भी है? है तो ले आइए, इतना विलंब क्यों हो रहा है? कैसी बातें कर रही हैं आप, शीघ्र ही भोजन परोसा जाएगा। सुलोचना जी, चूल्हा जला भी है या नहीं? अरे बहन, ऐसे शुभ अवसर पर ये वक्र युक्ति, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। और प्रतीक्षा? क्या कहा पंडित श्रीधर? मैं अपना अपमान सह सकता हूं, किंतु गुरुदेव गोरखनाथ के भोजन में विलंब कदापि नहीं। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा की तो कोई दुख ही नहीं है पंडित, हमारा अपराध अक्षम्य है। गुरुदेव गोरखनाथ को प्रतीक्षा कराओगे? इतना सामर्थ्य किसी मानव मात्र में नहीं। महाराज जी, हमारी भावना गुरु जी या यहाँ उपस्थित किसी भी सज्जन वृंद का अपमान करना नहीं, अपितु सेवा करना है। हमारी मनोकामना उनको माता रानी का भोजन कराना है। हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, शांत हो जाए, शीघ्र ही हम भंडारा आरंभ करेंगे। माता रानी का प्रसाद पाकर आपके मन को भी संतुष्टि मिलेगी। तुम हमारी संतुष्टि करोगे? अभी इतने योग्य नहीं हुए हो पंडित। जब एक अघोरी भोजन पे बैठता है तो स्वयं इंद्र भी उसको तृप्त नहीं कर पाता। शांति राज, जान पूछ कर उपद्रव कर रहा है माता रानी के दर्शन के लिए। भैरवनाथ, तुम्हारे गुरु गोरखनाथ को भंडारे की प्रतीक्षा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, और आप सबको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने गुरुदेव के शब्दों का मान रख के मैं धैर्य रखता हूं, किंतु इस माला की गिनती खत्म होने तक, इसमें 108 मन के अगर इतने समय में भोजन आरंभ नहीं हुआ तो इसका परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो, जिसकी कल्पना तुम 7 जन्म में नहीं कर सकते। जाओ भंडारा आरंभ करो। एक, दो, तीन। सहायता कीजिए माता रानी। सब भोजन पककर तैयार हो चुका है। माता रानी की जय। माता रानी की जय।